पंजाब चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने 16 मार्च तक इलेक्शन कोड लागू किया हुआ था। इलेक्शन कोड के बावजूद कपूरथला में चुनाव आयोग के रेसों की धज्जियां उड़ने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले के तहत कपूरथला पुलिस ने नगर कौंसिल कपूरथला के काली भाजपा के उपाध्यक्ष कौंसलर हरदयाल सिंह चीता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 14 दिनों के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। क्या है सारा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर 16 मार्च तक चुनाव आयोग ने इलेक्शन कोड लगा रखा था, लेकिन चुनाव आयोग के आदेशों के ठेंगा दिखाकर 4 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में हल्का कपूरथला के 20 के वोटरों से वोटों का लाभ उठाने के लिए नगर कौंसलर कपूरथला के अकाली भाजपा उपाध्यक्ष हरदयाल सिंह चीता ने अपने वार्ड क्षेत्र की गली सड़क निर्माण संबंधी कोई भी तखमीना टेंडर नगर कौंसिल से पास नहीं किया था, ना ही उपरोक्त गली को खोदने संबंधी नगर कौंसिल द्वारा कोई आदेश दिए गए थे। जांच के बाद ही ये बात सामने आई कि इलेक्शन कोड के दौरान अकाली भाजपा कौंसिलर ने कानून की धज्जियां उड़ाई। कपूरथला से निर्मल सिंह, आजाद टीवी न्यूज। हरदयाल सिंह चीता म्यूनसिपल कमेटी का जोड़ा इतने वाइस प्रेजिडेंट इन्होंने खिलाफ ईओ वालों एक कंप्लेट मिली सी, उपर साढ़े सीनियर अफसर वालों आई सी मार्क होके डूंगाई ने पड़ताल कर जोड़ा एक मुकदमा दर्ज थाने सिटी विखे हो 170 नंबर वो जोड़ा इन्हों गिरफ्तार जात के अनुसार गिरफ्तार करके इन्हों इस वे जुडिशल भेजा जा चुका। मामला इन्होंने कोई रिकॉर्ड के नाल छेड़छाड़ की सी उत्थे म्यूनसिपैलिटी के नाल जिहड़ा उन्हों रिकॉर्ड टैंपर करन करके जिहड़ा इनकुआरी च उहदी पड़ताल ते परचा दर्ज किया गया। 400